नमस्कार दोस्तों, शिवांश के गैजेट में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं नया गैजेट, जो कि है बॉस का हैंड ब्लेंडर। ये आता है एक्स्ट्रा लॉन्ग शाफ्ट के साथ में। आइए करते हैं इसका रिव्यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट बेल बटन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसको ख़रीदा है मैंने अपनी दुकान यानी अमेजॉन से लगभग 1700 रुपये में। इसका MRP है 2000 रुपये। दोस्तों, इसका मॉडल है B124, 180 वॉट का है। लेक्योर कोटिंग है इसमें ताकि किसी भी तरीके की कोई जंग ना लगे। और इसका जो शाफ्ट है वो है एक्स्ट्रा लॉन्ग। ये आता है 2 साल की वारंटी के साथ में मोटर की, और 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी है अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। आइए इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि 6 इंच या 5 इंच का ही ये जो शाफ्ट होता है, या भी इसको कह सकते हैं रॉड होता है, लेकिन कुछ अगर आपको डीप ब्लेंड करना है, या मान लीजिए कुछ होटल या सेमी कॉमर्शियल भी है या फिर बाल्टी में है, और कुछ ज़्यादा अगर आपको एक्सेस ब्लेंड करना है, तो उसके लिए मैंने इसको मंगाया है। एक हमारे पास छोटा भी बॉश का ही है, उसका भी अगर आप चाहें तो रिव्यू आई लिंक पे देख सकते हैं। ये इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 बटन हैं। ये डबल स्पीड का है या सिंगल स्पीड का है, पूरी प्लास्टिक, अच्छी खासी प्लास्टिक का है ये। इसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इसके हत्थे पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ISI मार्क का। और इसके साथ में जो कॉर्ड आती है, लगभग ये 1.5 मीटर की कॉर्ड है। ये है इसका वारंटी कार्ड प्लस इंस्ट्रक्शन मैनुअल। वॉल हैंगिंग अगर आप इसको करना चाहें, किचन वगैरह में मान लीजिए कहीं भी करना है, तो आपने इस तरीके से इसको लगा दिया और फिर इसमें आप इसको फंसा देंगे। और ये हैं इसके एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स। जो इसका कट है वो इस खांचे में फिट हो जाना चाहिए। बस ये पूरी तरीके से फिट हो गया है। जब फिट हो जाएगा तो फिर राउंड करते समय निकलेगा नहीं। ये बटन हमने इसको चलाया और ये देखिए चल रहा, छोड़ दिया तो चला गया। और डबल स्पीड के लिए अगर आपको चलाना है तो ये है, आपने इसको दबाया इसकी सफाई के समय। बस ये याद रखना है कि पानी यहाँ पे नहीं जाना है। बाकी आप जब भी इसको धोएं तो इस तरीके से धोएं, इसकी रॉड को धोएं और इस प्लास्टिक के उसमें को पानी में सबमर्ज ना करें, अदरवाइज़ ये हो सकता है कि काम ना करे। दोस्तों, ये हमारे पास है मलाई। अब हम इसका मक्खन निकाल के देखेंगे और ये थोड़ा सा पानी है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फ़र्स्ट टाइम आप जब भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको धो लें, क्योंकि मलाई से मक्खन निकालना है। थोड़ा पानी ऐड करते हैं और अब इसको कर देते हैं ऑन। ये देखिए शुरू हो गया। दोस्तों देखिए कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा मलाई जल गई थी, उसका भी अलग से जो शो हो रहा है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपके पास सबसे पहले।